আজ খড়গপুর সদরের প্রার্থী হিরণময় চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ হিরণের সমর্থনে খড়গপুর বিএনআর ময়দানে সভাতে বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাততালি সহযোগে তাকে আমন্ত্রণ জানালেন বিজেপি সমর্থকেরা। বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ তাকে মঞ্চে সম্বর্ধনা জানান। প্রধানমন্ত্রীর মতে কেন্দ্রের প্রকল্প রাজ্যে প্রণয়ন করতে দিচ্ছেন না দিদি। তিনি মানুষকে আশ্বাস দিয়ে এও বললেন এবার দিদিকে গণতন্ত্র হত্যা করতে দেবেন না তিনি, চলবে না আর কোনো কাটমানি। এছাড়া তিনি দিলীপ ঘোষের নামে প্রশংসা করে বলেন দিদির হুমকিতে ভয় পাননি দিলীপ, হামলা সত্ত্বেও মাটি কামড়ে পড়ে আছেন তিনি। মাতাকে, ভারত মাতাকে নমস্কার। আপনারা কেমন আছেন? জয় জোহার, জয় গোরাম, বিধিরি, খড়গেশ্বর মহাদেব, জাড়েশ্বর মহাদেব, মা সর্বমঙ্গলা, মা মহিষাসুর মর্দিনী, ऐसे अनेक তীর্থ ক্ষেত্রों की धरती, मैं उस धरती और धरती के लोगों को प्रणाम करता हूं। इस धरती ने राष्ट्र सेवा में शहीद खुदीराम बोस, क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो, बीरेंद्रनाथ शासमल, निर्मल जीवन घोष, ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी दिए। यहां के संथाल आंदोलन ने भारत की आजादी में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये धरती भारत मां के महान सपूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की भूमि है। इस भूमि को मां शारदा देवी, रानी राशमोनी, देवी चौधरानी जैसी अनगिनत विभूतियों ने धन्य किया है। कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु ने यहां की विलक्षण प्रतिभा का प्रकाश बिखेरा है। इसी क्षेत्र में देश की आजादी के लिए शहीद हुई माता स्वरूपा मातंगिनी, हाजरा ने नारी शक्ति का सबसे बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। मैं इस धरती का वंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। आपका यह उत्साह साफ साफ कह रहा है बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल में इस बार साथियों, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए इस धरती पर हमारे 130 के करीब कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया ताकि बंगाल आबाद रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मुझे गर्व है मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष है। आज पार्टी को जिताने के लिए
पिछले कई वर्षों से दिलीप घोष न चैन की नींद सोए हैं, न दीदी की धमकियों से डरे हैं। उन पर अनेक हमले हुए, उनको मौत के घाट उतारने की कोशिशें हुई, लेकिन वो बंगाल के उज्जवल भविष्य का प्रण लेकर के चल पड़े और आज पूरे बंगाल में नई ऊर्जा भर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी सरकार, साथियों, खड़गपुर के इस क्षेत्र में मिनी भारत की झलक मिलती है। भारत की विविधता, अलग अलग भाषाओं बोलियों की ताकत यहां देखने को मिलती है। खड़गपुर का इतना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत की पहली आईआईटी, इस भूमि का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय रेलवे को मजबूती देने में यहां के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं आप लोगों को अशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। अशोल परिवर्तन, आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है और टीएमसी ने। ब्यूरो रिपोर्ट, बंगाल फेज।